नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नए विचारों की नई श्रृंखला के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। आज टिप्पणी का विषय है पाकिस्तान की महबूबा। तो आइए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को अपना महबूब समझने लगी हैं और भारत को अखियां तरेर रही हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा है कि वह अपने पड़ोस अफगानिस्तान की ओर नजर घुमाए, जहां सुपर पावर अमेरिका को भी बैग पैक करके भागने को मजबूर होना पड़ा है। महबूबा ने चेतावनी दी है कि अगर उसने वाजपेयी डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान से दोबारा बातचीत शुरू नहीं की तो उसे भी ऐसे ही बर्बाद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार कश्मीरियों के सब्र का इम्तिहान ना ले, उसे एक दिन परास्त होना पड़ेगा। महबूबा के इस बयान से लगता है कि महबूबा पाकिस्तान के प्रेम में पगला गई हैं और जो भी उल जुलूल मन में आ रहा है वह बकबकाती जा रही हैं। यह समझ में नहीं आता कि अगर धारा 370 हटाने से उनको परेशानी है या फिर जैसा वह कह रही हैं कि कश्मीरियों को परेशानी है, तो पाकिस्तान से बातचीत क्यों? क्या वह यह समझती हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का भूभाग था जिस पर भारत ने कब्जा कर लिया है? अगर वह ऐसा समझती हैं तो सचमुच ही यह राजद्रोह से कम नहीं है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देने में कोई भी दोष नहीं है। कभी बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई चाटने वाली इस महबूबा को अब बीजेपी खटाई और कांग्रेस मिठाई लगने लगी है। पीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त मुस्लिम बाहुल कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। पंडित नेहरू और कांग्रेस की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर भारत में मिलने को तैयार हो गया। अगर उस समय बीजेपी केंद्र की सत्ता में होती और आज की तरह उस समय भी हठधर्मिता दिखाती तो जम्मू कश्मीर कभी भी भारत को नहीं मिलता। जबकि इतिहास सबको पता है, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में तब किया जब पाकिस्तान जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करने लगा था। मतलब साफ है, अगर कश्मीर का विलय भारत में नहीं होता तो पाकिस्तान कश्मीर को बिन फेरे तुम मेरे बना लेता। जैसा कि कश्मीर के कुछ भाग पर उसने कब्जा करके अपना लिया है। कुलगाम में केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान की दीवानी महबूबा ने भारत सरकार और तालिबान को एक तराजू पर तोलते हुए कहा, वे ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे पूरी दुनिया उनके साथ हो जाए। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी चुप कैसे बैठती? जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उसे राष्ट्रद्रोह बताया और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रभक्त हैं, वे महबूबा के भड़काऊ बयानों में नहीं आने वाले। महबूबा अपनी सियासी जमीन खिसकती देख ऐसे बयान दे रही हैं। जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। खैर, मिट्टी में दफन मौत के बाद किया जाता है, जीते जी जुबान पर ताला लग जाए वही ज्यादा है। टिप्पणी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।